नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज हम लोग कृष्णाज माइंड गीता में पढ़ने वाले हैं ज्ञान कर्म संन्यास योग। हम तो पढ़ना चाहते हैं, आप भी सीखना चाहते हैं क्या? अगर सीखना चाहते हैं तो बताइए, इसके पहले का वीडियो आपने जब देखा था तो उससे क्या समझ में आया था? बहुत मुश्किल होगी क्योंकि आप इसको यूट्यूब पर देख रहे हैं और मेरे ख्याल से आप इस समय कोई ज़रूरी काम कर रहे होंगे, उस समय सुन रहे होंगे और शायद अभी टाइम नहीं मिला हो पिछला वीडियो देखने के लिए, और शायद इसको देखने के बाद फिर से टाइम नहीं मिले। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप गीता में इंटरेस्टेड हैं लेकिन ऐसे ही ऊपर ऊपर से, आप ये नहीं चाहते कि ये बात जो भी आप सुन रहे हैं ये आपके ब्रेन का पार्ट बन जाए। आप अभी भी इतना सीरियस नहीं है गीता को लेकर के या स्पिरिचुअलिटी को लेकर के कि आप इसके लिए अपनी जान दांव पे लगाएं। चलिए छोड़िए, जान दांव पे मत लगाइए, कम से कम प्रैक्टिकली अप्लाई तो करना चाहें। अगर ऐसा नहीं है तो आप गीता का बहुत फ़ायदा उठा नहीं पाएंगे। आप शायद जैसे मैंने बहुत पहले किया था, जब ओशो की चीज़ें मैं सुनता था तो जो चीज़ें याद रहती थी, मैं अपने दोस्तों के साथ जब बैठता था तो कोट करता था ओशो को, शायद वैसे ही कर पाएं। अगर आपका इंटरेस्ट बहुत डीप नहीं है, हम लोग पढ़ रहे हैं फोर्थ चैप्टर और हैं श्लोक नंबर 10th पे। अब क्या फ़र्क पड़ता है 10th है कि 11th है? और इस श्लोक को सुनने के बाद आपको मैं सच बता रहा हूँ, रत्ती भर भी नया कुछ समझ में नहीं आएगा, बशर्ते आप सीरियसली इंटरेस्टेड हों। और गलती आपकी गलती नहीं है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे सामने लाइफ आती है और उसका रिस्पॉन्स आता है। तो ये मान के चलिए कि गीता को समझने का, कृष्णाज माइंड गीता के थ्रू एक लाइफ आई है और आप उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा आप इसके पहले का वीडियो थोड़ा सा सीरियसली सुनें और हो सके तो एक नोटबुक बनाएं और हर एक वीडियो का एक छोटा सा समरी बनाएं, और हो सके तो उसको दो बार या तीन बार देखना पड़े तो देखें, रुके ना। तो 10वें श्लोक में कृष्ण कह रहे हैं, मैनी हैव रीच्ड मी इन द पास्ट बाई सरेंडरिंग टू मी, बींग फ्री ऑफ अटैचमेंट फियर एंगर, देयर माइंड एब्जॉर्ब्ड इन मी एंड प्योरिफाइड इन द फायर ऑफ नॉलेज। मैंने कहा ना, अगर आप बहुत सीरियस नहीं होंगे तो इस श्लोक से आपको रत्ती भर भी फायदा नहीं होगा। कृष्ण कह रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो मुझ में पहुंच गए। ऑब्वियसली फिजिकल बॉडी की बात नहीं हो रही है, फिजिकल बॉडी तो कृष्ण ने खुद भी छोड़ी थी, किसी और चीज़ की बात कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं माइंड की। हमारा हर रोज माइंड स्लीप में चला जाता है, नींद में घुस जाता है। कृष्ण कह रहे हैं, बहुत से लोग मुझ में घुस गए हैं। तो बहुत से लोगों का माइंड फिजिकल लेवल से मॉलिकुलर, इलेक्ट्रॉनिक और फाइनली कॉस्मिक कॉन्शियसनेस या कृष्ण के माइंड के लेवल तक पहुंच गया है, कृष्ण कह रहे हैं। और इस चीज़ को कृष्ण जानते हैं, ऐसा हुआ है। और कैसे हुआ? मुझे सरेंडर करके। और क्या फ़र्क पड़ा इससे, क्या उनके लाइफ में डिफरेंस आया? वो सारे के सारे लोग अटैचमेंट से फ्री होकर के, फियर से, एंगर से, उनका माइंड पूरी तरह से मुझ में एब्जॉर्ब हो गया। आगे कहते हैं प्योरीफाइड हो गया, प्योर हो गया। लेकिन चुपचाप कृष्ण भजन करके नहीं, डांस करके नहीं, करने का मन करे तो करिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। कम से कम आप पब में डांस करेंगे, इससे अच्छा आप मंदिर में डांस करें। लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ा। अगर आप कृष्ण की अवेयरनेस में घुसना चाहते हैं, अगर आप कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में घुसना चाहते हैं, तो कृष्ण कहते हैं उसके लिए फायर ऑफ नॉलेज चाहिए। अब ये क्या बला है, फायर ऑफ नॉलेज? क्या नॉलेज भी आग होती है? अगर होती है तो क्या चीज़ जलाती है? क्या वो अटैचमेंट जला सकती है, डर जला सकती है? अभी आज ही मेरे एक भाई साहब से बात हो रही थी, बोलते हैं मैं अपनी बेटी से बहुत डरता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरी बेटी फिर से मुझे धोखा दे दे। पहले उसने अपने पिता के कुछ बात नहीं मानी थी और वो बड़े नाराज़ थे, तो डरे हुए थे। मैं आपसे
पूछना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में तो हुआ है, मेरी लाइफ में अटैचमेंट, फियर, एंगर, ये सब की सब चीज़ें फायर ऑफ नॉलेज में ख़त्म होती गई हैं। और रोज़ मैं देखता हूँ, जैसे ही एंगर आता है मेरे ही अंदर से नॉलेज, अब मैं फिर से बता दूँ, नॉलेज मतलब शब्द नहीं, ऐसा नहीं होता कि मैं गुस्से में हूँ और मैं अपने आप को बता रहा हूँ नहीं नहीं गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, गीता में ये लिखा गया है और जनोगा में ये पढ़ा है, ऐसा नहीं होता। नॉलेज एकदम बहुत स्ट्रांग फोर्स की तरह होती है, जैसे कोई बहुत ज़ोर से चलने वाली हवा, और उसी के अंदर में आप पानी भी डाल दीजिए, और कोई ऐसी चीज़ जिसके सामने ये चीज़ें फियर, एंगर, अटैचमेंट, ये चीज़ें बचती ही नहीं। अगर फियर, एंगर, अटैचमेंट आग है, जंगल की आग, तो उसको मान के चलिए वो अंटार्कटिका है, पूरा समंदर है बर्फीला, और सेकेंड्स नहीं लगेंगे इसको ख़त्म करने में। इसको आप अपने ही लाइफ में, अपने ही माइंड में जब एक्सपीरियंस करेंगे तब आप मेरी बात को मानिएगा। वो कृष्ण बुद्ध है, क्योंकि जब कोई आकर उनके ऊपर थूकता है तो उनको गुस्सा नहीं आता, गुस्सा आता है लेकिन उस गुस्से में अचानक से फायर ऑफ नॉलेज आ जाता है, उनको दिख जाता है कृष्ण ने गुस्सा किया था, लेकिन वो हमारे और आपके देखे गुस्सा किया। जब शिशुपाल कृष्ण के ऊपर नाराज हो रहा था तो उन्होंने कहा था 100 गलतियां माफ करूंगा, उसके बाद तुम्हें साफ करूंगा, लेकिन पेशेंस कहां से आया, 100 गलतियों तक पेशेंस कहां से आया? वो पेशेंस आता है फायर ऑफ नॉलेज से। रियल कॉन्फिडेंस भी आता है फायर ऑफ नॉलेज से। ये फायर बड़ा ठंडा होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन उसको फायर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो ये गर्म चीज़ों से हमको मुक्ति दिलाता है, फियर से, एंगर से, अटैचमेंट से, और ये सचमुच में मुक्ति दिलाता है। मैं तो हर रोज़ अपने फैमिली में देखता हूँ, जब रिम्पी किसी बात के लिए बहुत परेशान होती है, डरी होती है, या बच्चे बहुत डरे होते हैं, तो मैं उनके साथ शेयर करता हूँ यही कोल्ड फायर ऑफ नॉलेज। अगर हम लोग अपने काम को कर रहे हैं, डीप नॉलेज के काम को, ऐप के काम को, अभी रिसेंटली मैंने एक नया सीरीज़ शुरू किया है, नेटवर्क इफेक्ट, WBX का पार्ट भी है, तो हम देखते हैं कैसे उस नॉलेज से वो उलझन की प्रॉब्लम, जो काम के उलझन की प्रॉब्लम है, बिजनेस के ग्रो ना होने की प्रॉब्लम है, वो डिजॉल्व हो जाती है। इसलिए मुझे लगता है ना कि भगवद गीता को अगर बहुत डिटेल्ड में समझ गए तो आपकी लाइफ की, मटेरियल लाइफ की प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। यही तो आगे कहते हैं, इन वॉट एवर वे पीपल सरेंडर टू मी आई रेसिप्रोकेट अकॉर्डिंगली, ओ सन ऑफ पार्थ, वॉट एवर द सर्कमस्टांसिस एवरी वन इज ऑन माई पाथ। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ये खतरनाक भी है, ये वाला सूत्र कल पढ़ेंगे दोस्तों, आज इतना ही, थैंक यू, नमस्कार। अगर आपको लगता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ उसकी कोई कीमत है, तो मैं चाहता हूँ आप लोग ज़ेनोविले में सपोर्ट करें ताकि आप लोग यहाँ आ सकें, ताकि इस काम को हम लोग दूर दूर तक पहुँचा सकें, और यहाँ तक कि जो भी आप इन कोर्सेज के थ्रू हमको पैसे देते हैं, डोनेशन देते हैं, फीस देते हैं, वो भी ज़ेनोविले के ही काम में लगता है। इसलिए या तो कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं या तो आप डोनेट कर सकते हैं, और डीप स्पेस नॉलेज हमारा ऐप है, उसमें ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। पैसे की चिंता मत करिए, आपके पास जितना अफोर्डेबिलिटी है उतना पे करके आप इन कोर्सेज को स्टार्ट कर सकते हैं।